रात्रि में भी भगवान शंकर जी की पूजा की बहुत महिमा है। रात्रि के चार चार प्रहरों की पूजा की महिमा मानी जाती है। आप रात्रि के पहले पहर, दूसरे पहर, तीसरे, चौथे पहर, प्रहर में भगवान शंकर का विशेष पूजन कर सकते हैं। रोज तो नहीं कर सकते रात्रि के अलग अलग प्रहरों में शंकर जी की पूजा, लेकिन विशेष प्रकार के त्रयोदशी हों तब रात्रि के चार प्रहरों की पूजा की महिमा है। हम बहुत छोटे थे तब 5-6 पटेलों के साथ हम पूरी रात्रि भगवान शंकर जी के अलग अलग धन धान्यों से, अलग अलग द्रव्यों से भगवान शंकर जी की पूजा करते रहे हर त्रयोदशी। कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उनको शिवरात्रि कही जाती है, और साल में एक बार जो आती है उसको महाशिवरात्रि कही जाती है। प्रदोष समय अलग रहता है। प्रदोष उसको कहा जाता है कि त्रयोदशी पूर्ण हो रही है और चतुर्दशी का प्रारंभ हो रहा है, दोनों तिथियों का मिलन उसको कहते प्रदोष। पंचांग में लिखा रहता है कि प्रदोष के समय भगवान शंकर जी की विशेष प्रकार से पूजा करें। ये सब कुछ न हो सके लेकिन प्रदोष के समय भगवान शंकर का विशेष प्रकार से स्मरण करें, विशेष प्रकार से दर्शन करें। जो प्रदोष के समय भगवान शंकर जी की पूजा अर्चन दर्शन करने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी दोष में से मुक्त होकर परमात्मा के दरबार में निर्दोष रहता है, इसलिए प्रदोष पूजा की बहुत महिमा माने जाते हैं। ये तो हमने समझ लिया प्रदोष का कोई समय होगा, कोई घड़ी होगी, कोई पल होगी, लेकिन ये सब आपको समझ में न आवे तो त्रयोदशी का संध्या का समय उसको भी प्रदोष मान सकते हैं। जब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है इस समय जो संध्या का वक्त है, जब सूर्य डूब रहा है, इसी समय भगवान शंकर जी की विशेष पूजा अर्चन दर्शन स्मरण करने से ये भी प्रदोष दर्शन, प्रदोष पूजा, प्रदोष स्मरण माना जाता है।